नमस्कार, मैं हूँ चंद्रकांता राजपुरोहित और आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीकेआर किचन में। तो आइए आज हम बनाते हैं आलू और मोगरी की मिक्स सब्जी। तो सर्दियों में मोगरी बहुत ही फ्रेश और अच्छी क्वालिटी की आती है, तो आज हम आलू और मोगरी की सब्जी बनाएंगे जो कि बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होती है। तो यूट्यूब पर कुकिंग चैनल सीकेआर किचन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप ज़रूर दबा दें अगर आपने अब तक नहीं किया है। तो फिर आइए फटाफट बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दो टमाटर लिए हैं, एक हरी मिर्च, एक छोटा टुकड़ा अदरक का, 7-8 कलियाँ हमने ले ली है लहसुन की। तो इन सभी को मिक्सी के जार में डाल के हमको पीस लेना है। तो आज एकदम मसालेदार आलू मोगरी की सब्जी हम बनाएंगे। तो अक्सर बच्चे मोगरी की सब्जी को खाना पसंद नहीं करते हैं, तो इस तरीके से अगर आलू को मिक्स करके अगर हम बनाएं तो उनको बहुत ही अच्छी लगेगी। तो ये हमने इसको पीस के तैयार कर लिया है। तो यहाँ पे हमने पैन चढ़ा दिया है गैस पर और इसमें डाल देंगे हम ऑयल। तो मैंने लगभग इसमें 3 टेबल स्पून के करीब तिल का तेल डाल दिया है। आप चाहे तो मूंगफली का या फिर रिफाइंड कोई भी ले सकते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो गया है तो इसमें हम डाल देंगे 1/2 चम्मच जीरा। तो ये तिल का तेल है तो थोड़े से इसमें झाग बनते हैं, लेकिन विंटर्स में ये काफ़ी हेल्दी होता है। तो अब डाल दिया हमने यहाँ पे तेज पत्ता, 1/4 चम्मच हींग, क्योंकि मोगरी और आलू दोनों ही थोड़े से बादी कारक होते हैं तो किसी को डाइजेशन में दिक्कत भी हो सकती है। तो थोड़े से हींग हम डालेंगे तो डाइजेशन में अच्छा रहता है, हींग पाचन क्रिया के लिए और टेस्ट तो बढ़ाता ही है हींग। तो अब हमने डाल दिए हैं आलू। तो ये 2 बड़े साइज़ के आलू थे जिनको हमने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं काटने हैं, तो मीडियम साइज़ के हमने रखे हैं ताकि फटाफट से पक भी जाए। तो आलूओं को थोड़ा सा ऑयल में हम फ्राई कर लेंगे 1-2 मिनट के लिए, इससे थोड़े से सॉफ्ट भी हो जाएंगे और फ्राई करने पर थोड़े से टेस्टी लगते हैं आलू। लगभग 40-50% के करीब हमको फ्राई करते हुए आलूओं को पका लेना है और 50% हम मोगरी के साथ मसाले के साथ इसको पकाएंगे। तो देखिए हमने 2 मिनट आलूओं को पका लिया था, लगभग 40-50% आलू हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब डाल देते हैं ड्राई रेगुलर मसाले। तो लगभग 1.5-2 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया हमने, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर है और 2 चम्मच के करीब मैं लाल मिर्च पाउडर डाल दूंगी। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्च को थोड़ा ज़्यादा कम कर सकते हैं और स्वाद के अकॉर्डिंग हम डाल देंगे इसमें नमक। इन सभी मसालों को एक बार हम मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मसालों को मिक्स करने के बाद में हमने जो मसाला पीस के रखा था वो ऐड कर देंगे हम, जिसमें हमने हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और टमाटर को पीसा था। तो इसको ऐड कर लेते हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और ढक कर इसको हम पकाएंगे लगभग 2.5 से 3 मिनट के लिए, तब तक कि टमाटर और मसालों का कच्चापन निकल ना जाए। तो ये अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है। तो मैंने अपने YouTube चैनल सीकेआर किचन पर मोगरी की सब्जी की रेसिपी भी अपलोड की हुई है। ड्राई, एकदम ड्राई सूखी मोगरी की सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है, तो एक बार जाके चेक ज़रूर करें। और मूंग की वड़ी और मोगरी की मिक्स सब्जी भी मैंने शेयर की हुई है, तो एक बार जाके आप चेक ज़रूर करें, आपको ये रेसिपीज बहुत ही पसंद आएगी। मोगरी की सब्जी को हम कई अलग अलग तरीक़ों से बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 से 3 मिनट ढककर पका लिया था, तो टमाटर और मसाले अच्छे से पक गए हैं, ऑयल साइड से दिखने लगा है। तो यहाँ पे हमने 200 ग्राम मोगरी को ऐड कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने कच्ची कच्ची जो मोगरी आती है वो ली है, वो ज़्यादा टेस्टी लगती है सब्जी में। मोगरी को अच्छे से हमने साफ करके और अच्छे से धो लिया था और कटिंग कर लिया था। तो अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे मसालों के साथ मोगरी को।
मिक्स करते हुए थोड़ा सा इसमें हम मसालों के साथ इसको पका लेंगे, और उसके बाद में ज़रूरत के अकॉर्डिंग थोड़ा पानी ऐड करेंगे हम, ताकि जो आलूओं में थोड़ी बहुत कसर है वो अच्छे तरीके से पक जाए। और यहाँ पे आप चाहें तो उबले हुए आलू का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर उबले हुए आलूओं का यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सब्जी को पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे गर्म पानी ऐड कर लिया है मैंने ज़रूरत के हिसाब से। अगर आपको सब्जी में थोड़ा सा ग्रेवी या फिर जो भी रस्सा है ग्रेवी रखनी है तो थोड़ा ज़्यादा डाल लें। मैंने यहाँ पर लगभग आधा कप के करीब गर्म पानी डाला है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे हम, और फिर से इसको ढक कर 2-3 मिनट स्लो फ्लेम पर पकने देंगे, जब तक कि आलू एकदम सॉफ्ट ना हो जाए। ये देखिए, एक आलू को हम कट करके देखते हैं। ये देखिए, लगभग 80% आलू हमारे पके हुए हैं। हमने ऑयल में भी फ्राई किया था और ग्रेवी के साथ भी इनको पकाया था, तो 80% आलू हमारे पक गए हैं। तो बस 1 से 2 मिनट स्लो फ्लेम पर पकाएंगे तो बिल्कुल सब्जी हमारी तैयार हो जाएगी, मोगरी भी सॉफ्ट हो जाएगी। वैसे फ्रेश मोगरी अगर है, कच्ची कच्ची, तो इनको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये देखिए, 2-2.5 मिनट पकाया था स्लो फ्लेम पर। अब हम इसको फ्रेश हरे धनिए से इसकी गार्निशिंग कर देंगे। बहुत ही शानदार ये आलू मोगरी की झटपट बनने वाली सब्जी बनके तैयार है। तो एक बार इस तरीके से सब्जी को ज़रूर बनाएं। जिन्हें मोगरी खाना पसंद नहीं है ना, वो भी बिल्कुल शौक से खाना शुरू कर देंगे। तो इसको गर्मा गर्म पराठों के साथ या रोटी के साथ सर्व करें, बहुत ही अच्छी लगती है। और अगर आपके पास उबले हुए आलू रखे हुए हैं तो हम इसे बहुत ही फटाफट सुबह सुबह लंच बॉक्स के लिए भी बना के तैयार कर सकते हैं। तो फिर रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में, या फिर जिन्हें भी खाना बनाने का शौक है उन्हें। वीडियोज़ आप रेगुलर देखते हैं लेकिन आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि जो मेरे आने वाले वीडियोस हैं नए, उनका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो बस इसी तरीके की नई रेसिपी को लेके मैं फिर हाजिर होंगी। तब तक धन्यवाद।